मानव समाचार मानवता के हक। ये वाक्य जो हुआ था पाँच अगस्त 14 लोग जो है तो गिरना नदी में फंसे हुए थे, वहाँ जाकर जो है तो रात भर शहर के लोग हमारे आमदार साहब मुफ्ती इस्माइल साहब रात भर लगे हुए थे। सवेरे हेलीकॉप्टर मंगा कर बाकायदा उनको निकाला गया, पूरा शहर देखा है। पर हिंदुस्तान में पहला वाक्य ऐसा है कि जो मुसीबत में थे, जो पानी में फंसे हुए, शायद मैं बोलता हूँ पहला ऐसा मामला है जो जिनके ऊपर 14 लोग के ऊपर केस दाखिल हुआ है। पर ये केस दाखिल अगर हुआ है तो कुछ राजकारणी लोग हैं शहर के जो केस दाखिल कराए हैं, नहीं तो ये केस दाखिल नहीं होता था। बलजबरी बोले मच्छी मारने गए हैं, ये करने गए, लोग घूमने भी गए थे वहाँ पर, फंस गए वहाँ पर, पानी स्पीड बढ़ने की वजह से पानी में फंस गए वो लोग। बाकी ऐसा कोई मामला नहीं था कि जाकर लोग खुद से जाकर फंसे। लोग बोलते थे कि यार उनको बोला गया बाहर निकलो, सब झूठ बात थी। आज जो है तो कोरट में उनकी तारीख थी, आए यहाँ पर 2500 रुपये जुर्माना लगा था, कलम 223 लगी थी। तो आमदार साहब मुफ्ती इस्माइल साहब पूरा 35,000 रुपये यहाँ भर रहे हैं, भर कर 6 बजे तक के हैं इनका, और इनके बाद में केस मामला ख़त्म हो जाएगा, कोई वो नहीं है। 5 अगस्त को जो वाक़या हुआ था गिरना नदी में, 14 लोग उसके अंदर फंस गए थे, कुछ लोग घूमने गए, कुछ लोग मच्छी मारने गए, सही बात है। उनको बचाने के लिए पूरे शहर ने मेहनत की, आमदार साहब वहाँ जाके हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करा के हेलीकॉप्टर मंगवाया गया, उनको निकाला गया। लेकिन बदकिस्मती की बात ऐसी कि यार पूरे हिंदुस्तान में बताते लोग कि वाहिद केस है जिसके अंदर इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ, यानी इनको गवर्नमेंट ने बचा के वहाँ से निकाली, सही बात है। और इसको मुसीबत में बचाना गवर्नमेंट का काम है। ये फायर स्टेशन वालों को पहले ऐलान करना था भाई कि यार ये ऐसा ऐसा पानी बढ़ना है, लोग उधर ना जावे, नहीं जाते लोग। चलो हुआ जो भी, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ था पहले दिन से, आमदार साहब हमारे इसमें लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि जो भी इनका मामला होगा हम करेंगे। हेलीकॉप्टर से उनको वहाँ से निकाला गया, बचाया गया, जो भी राजकारण उसमें हुआ XYZ, इनके ऊपर गुना दाखिल हुआ 223 का, तो गुना दाखिल हुआ था। आज इनको कोर्ट में लाया गया, कोर्ट ने इनको 2500 रुपया दंड एक आदमी को, और शाम में 6 बजे तक इनको कोर्ट में यहाँ रहना है। जो अगर दंड नहीं भरेंगे तो 1 महीने की कुछ ज़्यादा इनको सज़ा हो सकती है, ऐसा कोर्ट पुलिस वाले बताए। तो ये जो दंड है, आमदार साहब ने उस दिन कहा था कि इनका जो भी मामला है कोर्ट कचहरी तक हम करके देंगे। आज इनके ऊपर एक आदमी पे जो 2500 रुपया दंड है, 14 लोगों पे 35,000 रुपया दंड हम इनको आमदार साहब की तरफ से अदा करके इनका मामला यहाँ पे आज ख़त्म कर दे रहे हैं। MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी इस वक्त तो इनकी मदद कर चुके हैं, लेकिन आप हाजी खाली सिकंदर पर्सनल असिस्टेंट MLA सेंट्रल मालेगांव और उनके करीबी कॉरपोरेटर साजी अब्दुल रशीद वार्ड नंबर 17 किला और मौलाना कंपाउंड से मसूद अहमद उनके करीबी साथी, आप इनकी 6 बजे तक क्या मदद करेंगे कि कोई दिक्कत कोई मसला? 6 बजे तक तो इनकी अभी फ़िलहाल में इनको खाना खिलाया हमारे साजिद मेंबर साहब ने, खाना वाना खिला के हम इनके साथ यहाँ पे रुकेंगे। दंड का जो रकम है ऑनलाइन मैं अभी इनको डाल देता हूँ, जमशेद भाई को, जमशेद भाई उधर डाल देंगे उसका। जो भी 6 बजे तक हम यहाँ रुकेंगे, चाय पान जो भी इनकी व्यवस्था करना हम करेंगे। इनको 6 बजे साथ में लेके जाएंगे हम यहाँ से। 4 लोग बताते धुलिया के और 10 लोग मालेगांव के, ये टोटल लोग यहाँ पे खड़े हुए 14 लोग। ये जो मछुआरे लोग का मामला है, 5 अगस्त को ये वाक़या हुआ था, इसके अंदर पूरी मेहनत पुलिस स्टेशन से लेके कोर्ट तक मुफ्ती इस्माइल साहब ने करने का ऐलान किया था, और आज उसी सिलसिले में हम यहाँ मौजूद हैं। इनके जो जुर्माना भर के आज इनको 6 बजे कोर्ट से लेके इनको घर पहुँचा दिया जाएगा। इनके आज का जो भी पूरे मामलात है सिकंदर भाई साजिद अब्दुल रशीद साहब की निगरानी में है, और सभी लोग इसमें ताउन कर रहे हैं। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करके मामले का जैसा कि हम लोगों को मुफ्ती साहब ने मतलब मुसीबत में से जब निकाला था, उस दिन से लेकर आज तक के सिकंदर भाई हमारे पीछे लगे हुए थे और जो भी साजिद भाई लोग थे, आज ये हुआ कि हम लोगों के ऊपर फाइन मतलब मारा गया जज के द्वारा। इन लोगों ने मतलब पूरी हमारे सहायता की, अब 6 बजे तक हमारे साथ रहेंगे और जो भी कार्रवाई होगी हमारे साथ मतलब लगे हुए हैं। उसके बाद आप कभी मछली मारने गए क्या आप लोग? देखो अब ये काम खत्म होने बाद जाएंगे, क्योंकि पूरा शहर बेरोजगार हो गया था, वहाँ पूरे नौजवान और कारोबारी लोग वहाँ जमा थे। अब इसमें झूठ फसाद का क्या बोलना, जानो तो जाएंगे, फिर नहीं जाना तो नहीं जाएंगे, तो इसमें थोड़ी ना बात है। लो और कौन क्या मुफ्ती इस्माइल MLA हमारे जो वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे, और पैसा भी उन्होंने भरा सिकंदर भाई के जरिए पैसा भी भेजाया है। साजिद मेंबर साहब लगे हुए हैं सुबह से हमारे पीछे, शुरू से अव्वल तक लगे हैं, अभी सुबह से मतलब कोर्ट में भी हाजिर हुए, खाना वगैरह खिलाए सब, कोई किसी में कोई बात नहीं है। बाकी सब
अच्छे से मतलब हो गया। इंडिया से आए, 2500 रुपया अपने को जुर्माना लगा है। अपने मुफ्ती साहब ने अपने लिए मदद किए, उनके लिए शुक्रिया।